हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप स्क्रॉलिंग टेक्स्ट बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं अपने काइन मास्टर में। कई सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि नीचे स्क्रॉल चलता है, जैसे कि अभी यहां पे आपको दिख रहा है स्क्रॉलिंग चल रही है। तो वैसे स्क्रॉलिंग अगर आप बनाना चाहते हैं अपने वीडियो को प्रोफेशनल बनाने के लिए तो बहुत ही सिंपल होता है, और कैसे बनाना है इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में क्रिएट करके बताने वाला हूँ। कई बार क्या होता है कि हमें वीडियोज में कुछ न्यूज देने के लिए नीचे स्क्रॉलिंग की जरूरत होती है। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ऐसी सारी चीज़ों को स्क्रॉल करना पड़ता है, क्योंकि बार बार हम चीज़ों को बता नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम उसको स्क्रॉल कर देते हैं, यानी कि रन कर देते हैं ताकि वो चलता रहे। कई सारी प्रोफेशनल वीडियोस में, फिल्मों में आपको ये टिप्स या ट्रिक आपको मिल जाएगा। कई सारी प्रोफेशनल और फिल्मों में आपको ऐसा देखने को जरूर मिलता होगा। तो आप भी सोचते हैं अगर कि ये सब कैसे किया जाता है, तो बहुत ईजी है, केवल 5 मिनट में आप ऐसा बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे स्क्रॉलिंग टेक्स्ट क्रिएट किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है कि प्ले स्टोर से आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है काइन मास्टर। ठीक है, काइन मास्टर आपको प्ले स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपको इसमें वाटरमार्क देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको वाटरमार्क नहीं चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने काइन मास्टर की हैक मोड की जो एप्लीकेशन है उसकी लिंक दी हुई है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। मैं खुद वही एप्लीकेशन इस्तेमाल करता हूँ और वाटरमार्क नहीं आता है, और वीडियो लेयर भी आपको मिल जाता है। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करने से अच्छा है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने दिया हुआ है वहाँ से आप इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने काइन मास्टर में, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप स्क्रोलिंग डिजाइन वाला टेक्स्ट स्क्रोलिंग डिजाइन आप अपने वीडियो में बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं काइन मास्टर ओपन करता हूँ। यहाँ पे हम चलते हैं एक नया प्रोजेक्ट पे, और नया प्रोजेक्ट पे जाने के बाद मैं एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें कि मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप आसानी से स्क्रोलिंग टेक्स्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने इस वीडियो को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये वीडियो तकरीबन 1 मिनट की है, और इसमें मैं आपको स्क्रोलिंग टेक्स्ट लगा के दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको जाना है लेयर पे। लेयर के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है बैकग्राउंड पे। यहाँ से आपको ब्लैक कलर, याद रखिएगा, आपको ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आपने ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिया तो ये ब्लैक कलर आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। उसके बाद इस ब्लैक कलर को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो ये कैंची के बगल में ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और ऑफ के नीचे का जो ऑप्शन दिख रहा है इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसको आप पकड़ के थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, ये देखिए, इसको पकड़ के आपको आराम से इसको पकड़ना है। ये जो एरो का चिन्ह दिया हुआ है इसको पकड़ के आपको नीचे कर देना है। ये मैंने इतना बड़ा इसको कर दिया। अब यहाँ पे नीचे हम अपनी जो भी स्क्रॉल में टेक्स्ट, जो रनिंग टेक्स्ट लगाएंगे वो यहीं पे चलेगा, लेकिन इसको हम थोड़ा सा इसकी ऑपेसिटी कम कर देते हैं ताकि ये देखने में अच्छा लगे। तो इसकी ऑपेसिटी को मैं यहाँ पर कम कर देता हूँ, 50% कर देता हूँ। ये मैंने इसकी ऑपेसिटी 50% कर दी, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इसकी जो डार्कनेस है वो कम हो चुकी है, और वीडियो भी अच्छे से दिख रहा है, और ऊपर जो टेक्स्ट चलेगा वो भी अच्छे से दिखेगा। अब हम इस वाले ब्लैक को वहाँ तक खींच देंगे जहाँ तक हम अपनी स्क्रॉल वाले टेक्स्ट को, यानी कि रनिंग टेक्स्ट को दिखाना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि मैं इसको यहाँ तक दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको यहाँ तक खींच दिया, यानी कि शुरू से लेकर यहाँ तक मैं इसको दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको यहाँ तक खींच दिया। जैसे मैं इसके आगे जाऊँगा वो काला वाला गायब हो जाएगा। तो आपको वहाँ तक रखना है जहाँ तक आप वीडियो में स्क्रॉल टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं। अब करना क्या है दोस्तों, कि हमें अपनी स्क्रॉलिंग टेक्स्ट को लगाने के लिए सिंपल हमें लेयर के ऑप्शन पे जाना है और टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाना है। लेयर के ऑप्शन पे, टेक्स्ट के ऑप्शन पे, अब जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख लिया कि YouTube गुरु को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब इसका फॉन्ट अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपको ए, यहाँ पर ए कैपिटल और ए स्मॉल का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करिए, और यहाँ से जाके आप कैपिटल में से जाके आप अपनी जो भी फॉन्ट है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट, मैंने यहाँ पे कुछ फॉन्ट डाउनलोड कर रखा है, इस फॉन्ट को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, लैला बोल्ड को। उसके बाद हमारा जो फॉन्ट है आप देख सकते हैं बदल चुका है, और बहुत ही बेहतरीन फॉन्ट हमारे सामने आ चुका है। अब इसके कलर को अगर आप बदलना चाहते हैं तो कैंची के बगल में जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करिए, और यहाँ से अगर मैं इसके कलर को बदल देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, तो ये कलर भी मैंने इसका बदल दिया। अब हमें इसको इस ब्लैक वाले के ऊपर लेके आना है, और जहाँ से आपको शुरू करना है, मान लीजिए कि मुझे इसको यहाँ से शुरू करना है, ठीक है, यहाँ से शुरू करना है, और इसको आपको कहाँ तक लेके जाना है। यहाँ से तो आप शुरू करेंगे और ये अंत तक जाएगा, लेकिन ये जो आपकी जो ये लंबाई है आप कहाँ तक सोच रहे हैं कि ये चलता रहे। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ तक चाह रहा हूँ कि ये चलता रहे, ये यहाँ तक चलता रहे, ठीक है, तो यहाँ तक मैं इसको खींच के बड़ा कर दूंगा। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, ये जो की का ऑप्शन दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, इस पर क्लिक करना है।
जैसे की के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इधर राइट साइड में एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा एनिमेशन का। उसके बाद आपको एकदम इसके लास्ट में चले जाना है। जैसे आप इसके लास्ट में चले जाएंगे तो उसके बाद आपको करना क्या, जो आपने लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट आपने तैयार किया, उसको आपको पकड़ना है इधर, और इसको पकड़ के ये ब्लैक वाला जो है इसको बीचों बीच एकदम, ठीक है, ये बीचों बीच एकदम रहना चाहिए ताकि आपका जो लिखावट है ऊपर नीचे कटे नहीं। उसके बाद बीचों बीच एकदम इसको पार कर देना है एकदम। ये देखिए मैं बीचों बीच कैसे इसको पार कर रहा हूँ, ठीक है, ये बीचों बीच मैंने इसको पार कर दिया। अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये देख रहे हैं आप, जैसे ही मैंने इसको प्ले किया तो ये YouTube गुरु को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये एकदम बीचों बीच ब्लैक वाले के जा रहा है। तो ऐसे करके आप भी अपना एक रनिंग टेक्स्ट तैयार कर सकते हैं। अब कई बार दिक्कत क्या आती है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं इस ब्लैक वाले को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, चलिए मैं इस ब्लैक वाले को वीडियो के फुल कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसको वीडियो के बराबर कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसको फिर से प्ले करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए, ये YouTube गुरु मेरी जो भी मैंने लिखा हुआ है ये निकल के जा तो रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब पूरा का पूरा पीछे वाला भाग खाली हो जाता है। ये देखिए हमारा ब्लैक वाला पीछे के पीछे एकदम खाली हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहीं पर पॉज करेंगे, इसको हम यहाँ पर रोक देंगे। अब जो हमने ऊपर लिखा हुआ है उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद डुप्लीकेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया। जो कॉपी किया है हमने उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ कैंची के ऑप्शन पे जाके इसके जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है उसको हम हटा देंगे। ये देखिए लेफ्ट साइड का हिस्सा हमने हटा दिया, इसको हम बड़ा कर लेंगे, इसको हमने बड़ा कर लिया, ठीक। अब यहाँ पे हम फिर से इस पर क्लिक करेंगे, जिसको हमने अभी बड़ा किया है इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे ऊपर कीबोर्ड के ऑप्शन पे, यहाँ पे हम कुछ और लिखेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है मेरा नाम यमराज गुप्ता है और मैं भारत का रहने वाला हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं आपको उदाहरण में बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ से हमने पहली वीडियो की जो शुरुआत की थी, पहला जो टेक्स्ट हमने तैयार किया था वो वहीं पर आ चुका है। अब इसको भी सेम हमें करना कुछ नहीं है, ये हमारा पहले से ही हमने कॉपी किया हुआ है पहले वाले टेक्स्ट को। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने इसी टेक्स्ट को पहले वाले को कॉपी किया, तो यानी कि इसमें एनिमेशन लगा हुआ है, जो इसका आगे जाने का प्रोसेस है, जो स्क्रॉल करने का प्रोसेस है वो इसमें लगा हुआ है और हमने इसी को कॉपी कर दिया है। तो आप देखेंगे इसमें भी स्क्रॉलिंग लगी हुई है। अगर मैं इसको प्ले करूंगा, ये देखिए मैंने इसको प्ले किया, तो ये जैसे ही पहले वाला खत्म होगा तो उसके पीछे पीछे ये भी निकल के जा रहा है, यानी कि इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। आप सोच रहे हैं कि एक के पीछे एक ऐसे जाते रहे तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला हमारा अब निकल रहा है, जैसे ये आधे पर पहुंच जाए तो इसको आप रोक दीजिए और इसको आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, ये 3 डॉट पर क्लिक करना है, डुप्लीकेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने जिसको कॉपी किया है उसको सेलेक्ट करिए, उसका लेफ्ट वाला हिस्सा हटा दीजिए। हटाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ये आ चुका है। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, जिसको आपने कॉपी किया है उसको सिलेक्ट करिए, इसको बड़ा कर दीजिए आप। इसको मैंने बड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया मैंने इसको। अब इसमें आप जो लिखना चाहते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं अलग से, उसको आप लिख सकते हैं, या अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, जैसे फ़ोटो आप लगाना चाहते हैं तो आप फ़ोटो भी लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे इमेज लगा के दिखा देता हूँ, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे इमेज लगाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे पीछे अब मेरा फ़ोटो जाए, तो यहाँ से मैं मीडिया में जाता हूँ और यहाँ से मैं कुछ फ़ोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने सब्सक्राइब नाउ का एक बटन सेलेक्ट कर लिया है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये देखिए मैंने इसको छोटा कर दिया ताकि ये इसमें अच्छे से फिट आ जाए। ये देखिए इसको आपको छोटा कर देना है। इसके बाद मैं इसको यहाँ तक लाके अंत तक एकदम रख देता हूँ, जहाँ से मुझे शुरू करना है मैं वहाँ पर ला के इसको छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, मैं इसको कहाँ तक दिखाना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ तक बड़ा कर दूंगा। उसके बाद मैं सेम वही प्रोसेस दोहराऊँगा, उसको सेलेक्ट करूँगा फ़ोटो को, यहाँ पर जो यहाँ पर चाबी का आइकन दिख रहा है की का, इस पर क्लिक करना है और इसको लास्ट में फोटो के चले जाना है। उसके बाद इसको आप फोटो को खींचना है बाहर और बीचों बीच, ये देखिए बीचों बीच आपको फोटो को लेके जाना है ताकि आपकी जो फोटो है वो कटना नहीं चाहिए। ये बीचों बीच आपको इसको पार करा देना है, ये मैंने इसको पार करा दिया। अब मैं यहाँ से अगर मैं प्ले करके आपको दिखाऊं तो ये देखिए इसी के पीछे पीछे ये फ़ोटो भी आपका जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब्सक्राइब नाउ का बटन जो है वो यहाँ पे आराम से एकदम जा रहा है, ठीक है, ये देखिए ये जा रहा है। उसके बाद अगर आप बीच में कुछ और लगाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि और कोई फोटो लगाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे और फोटो लगा के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम का फोटो सिलेक्ट किया हुआ है, इस फोटो को हम छोटा कर लेते हैं। ये देखिए ये मैंने इसको छोटा किया हुआ है और छोटा कर लेते हैं इसको हम, ताकि इसके बीच में ब्लैक वाले के बीच में आ जाना चाहिए। तो इसको हमने छोटा कर लिया, इसको मैं चाहता हूँ ये यहाँ पर ये रहे, ठीक है, इसको हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। ये देखिए ये हो गया, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, जितना बड़ा हम दिखाना चाहते हैं उतना बड़ा हम इसको कर लेंगे। इसको मैंने बड़ा कर लिया। अब हम सेम वही प्रोसेस दोहराएंगे, यहाँ पे जाएंगे चाबी वाले ऑप्शन पे, उसके बाद हम इसको फ़ोटो के लास्ट में ले जाएंगे और इसको हम क्या करेंगे,
इसको, ये हमसे बड़ा हो गया थोड़ा सा तो इसको हम छोटा कर लेते हैं। इसको छोटा करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसको लास्ट तक, ये देखिए लास्ट में इसको आपको बाहर निकाल देना है। जैसे आपने बाहर निकाल दिया, अब हम इसको प्ले करते हैं। ये देखिए हम यहाँ से शुरू से एक बार प्ले करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारा जो जो हमने लिखा है, जो स्क्रॉलिंग तैयार किया हुआ है, यहाँ पे आराम से एकदम जा रहा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, स्मूथ तरीके से जा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके पीछे वाला भी आप देख रहे हैं, इसके पीछे पीछे जा रहा है, तो इस तरह से अच्छा लगता है, खालीपन नहीं लगता है। अगर वो थोड़ा सा देर के बाद निकलेगा ना तो खाली खाली जगह लगने लगेगा, तो यूजर जो है वो देखने में उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो बोर हो जाएगा, वो बोलेगा कि क्या बनाया यार, बेकार लग रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके पीछे ये शुरू हो गया। तो इस तरह से अगर आप अपने वीडियो में स्क्रॉलिंग टेक्स्ट बनाएंगे तो आपका वीडियो काफ़ी इफेक्टिव और काफ़ी बेहतरीन तरीके से तैयार होगा। तो आई होप दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको एक स्क्रॉलिंग टेक्स्ट तैयार करना है। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, उसको भी जानना आपका बहुत ज़रूरी है, मैं उसको भी इसी वीडियो में कवर कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और आप मुझे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। Instagram पर भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी पोस्ट लेके आता रहता हूँ, या आप अपना सवाल वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखा देना चाहता हूँ, जैसे कि आपने एनिमेशन देखा होगा, कार्टून देखा होगा, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको डाउनलोड में लेके चलता हूँ, और यहाँ से मैं एक कार को, सॉरी एक बाइक को मैंने यहाँ से, ये देखिए मैंने बाइक की फ़ोटो ले ली। अब मैं इसको चला के आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको चला के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो मैं इसको सेम यहाँ पे, इसको जहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ, मैंने इसको यहाँ पे ले गया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको बड़ा किया, ठीक है। जितना आप इसको चलाना चाहते हैं उतना आप इसको चला सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आके ख़त्म हो जाए और यहाँ से शुरू हो जाए, तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ फ़ोटो को, उसके बाद मैं इस चाबी वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और फ़ोटो के लास्ट में जाता हूँ और इसको मैं यहाँ से चला देता हूँ। ये देखिए इसको मैं चला दिया, मैं चला रहा हूँ यहाँ से, और मैंने इसको एकदम आराम से बाहर निकाल दिया। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखिए ये इसको मैं अगर प्ले करता हूँ तो ये देखिए, ये देख रहे हैं हमारी जो मोटरसाइकिल है वो चलती हुई आगे जा रही है। तो ऐसे करके आप भी बहुत बेहतरीन तरीके से स्क्रॉलिंग टेक्स्ट, कोई भी फ़ोटो चला सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट चला सकते हैं, कोई भी इमोजी आप चला सकते हैं, कुछ भी आप चला सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से चला सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे वीडियोज अगर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि स्क्रॉलिंग टेक्स्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और नीचे अगर आपने कमेंट नहीं किया, अपना कोई भी सवाल है या सुझाव है तो नीचे कमेंट करिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।